ऋषि क्या हुआ उसे ऐसे? ऋषि वो ठीक नहीं है, आप प्लीज लॉकअप खोलिए। ऋषि मैं सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं आप लॉकअप खोलिए प्लीज, लॉकअप खोलिए मैंने कहा। क्या हुआ यहाँ पे? दरवाजा खोलिए। ऋषि ऋषि क्या हो गया बेटा? ऋषि ऋषि बेटा ऋषि नहीं ऋषि क्या हो गया? ऋषि ऋषि क्या हुआ बेटा? किसने किया ये सब? ऋषि ऋषि आप डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, प्लीज मत रो। ऋषि इट्स ओके मिस्टर मेहरा। सर वो एक मिनट मिस्टर मेहरा, अब ऋषि हमारी कस्टडी में है, आगे के प्रोसेस के लिए प्रियंका को यहाँ बुलाना होगा, ऋषि की आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रियंका यहाँ कैसे आएगी? वो ट्रॉमा में है, वो यहाँ कैसे आ पाएगी? आइडेंटिफिकेशन मैं कर लूंगा सर, मैं जानता हूँ ये वही लड़का है जिसने प्रियंका के साथ, आप लोगों ने सही लड़के को अरेस्ट किया है, ही इज द कल्प्रिट। मैं जानता हूँ सर ये वही लड़का है, बट हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, रूटीन वर्क है, प्लीज। हेलो प्रियंका, तुम पुलिस स्टेशन आ सकती हो आइडेंटिफिकेशन के लिए? पुलिस स्टेशन नहीं टैक्स, मैं वहां नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वहां पे ऋषि होगा, फिर मुझे नहीं टैक्स, प्लीज मुझे मत बुलाइए यहां पे, प्लीज टैक्स मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है वहां पे, प्लीज प्लीज। हे प्रियंका रिलैक्स रिलैक्स, रो मत, इट्स ओके फाइन, स्टॉप क्राइंग, डोंट कम, तुम मत आओ ठीक है, रोना मत। ओके सर, वो ट्रॉमा में रो रही है, इस हालत में वो कैसे आएगी आप? ठीक है तो आप उसे कल बुला लीजिए, ठीक है, जब तक प्रियंका ऋषि को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर भी अगर उसकी हालत खराब हुई, अगर वो उसी ट्रॉमा में है तो कल भी नहीं आ पाएगी ना, मैं क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सर, मैंने देखा है उसे ऑफिस में, मैं कह रहा हूँ ये वही लड़का है। हम समझ सकते हैं सर, बट रूल्स आर रूल्स, कमिश्नर सर राउंड पे है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो मैं आपको ऋषि से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, नो आप बैठ जाइए प्लीज। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ उसे, वो गिरा था, उसे चोट लगी थी, आई वांट टू सी इफ ही इज ऑलराइट। नहीं सर, लेकिन मैं फिर भी आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज। ठीक है मैं नहीं मिल सकता, मैं डॉक्टर को तो बुला सकता हूँ। ठीक है ओके। ऋषि तुम डरो मत, उसका नाम बताओ। इसके लिए मुझे ब्लेम किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मुझे इतना मारा क्यों? पता है तुमने कुछ नहीं किया बेटा, इसलिए तुम्हें इतना रोना आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? मैंने आज सबको बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने माना ही नहीं, प्लीज आप मेरी बात मानोगे ना? मैं ऑफिस से निकल ही रहा था तो प्योन ने आके बोला कि मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है, ऑर्डर थे तो जाना पड़ा, जब मैं वहां पहुंचा तो पहले से ही प्रियंका थी। विक्टिम मैं हूँ, वो नहीं, मोलेस्टेशन मेरे साथ हुआ है, उसके साथ नहीं, उसने मेरे साथ गेम खेला, और यहाँ पर मेरी कोई बात नहीं मानता, वो बड़े घर की बेटी, सिर्फ इसीलिए मुझे सजा मिली है। बात भरोसे की है, कौन मानेगा आपकी बात? मैं मानती हूँ इसकी बात, मुझे पता है इसने कुछ नहीं किया और मैं साबित कर सकती हूँ। मुझे पहले ये बताओ इस लॉकअप में तुम्हारी ये हालत किसने की? वो प्रियंका के चाचा ने मारा है मुझे। कहाँ है? वो इंस्पेक्टर राज के साथ है, आप इतनी देर तक लॉकअप में नहीं रह सकती हैं। चलिए आप बाहर चलिए, आप मुझे उनके पास ले चलिए। मासी आप मत जाइए प्लीज, वो बड़े लोग हैं, आपको भी सुनाएंगे। बड़े लोग हैं तो क्या हो गया ऋषि? आप चलिए। जितनी हदें प्रियंका ने पार की है ना, उतनी हदें उसके चाचा ने पार की। बड़े लोग हैं तो उन्हें लगता है कानून की हदें उनके पॉकेट से आगे नहीं जा सकती। मैं बताती हूँ कानून क्या होता है।
डॉक्टर और कितना टाइम लगेगा, प्लीज आप जल्दी आइए ना। या ओके लड़के की मासी लड़के से मिलने गई है, इनके द्वारा दी गई चोट के निशान देख लेंगी। और कोई नहीं आया, माँ वगैरह? सब माँ नहीं आई, और जब घर पे अरेस्ट करने गए थे तब भी वहाँ माँ नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी मासी के साथ ही रहता है, और जितनी मैंने उनसे बात की है मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? नहीं सर, वो आपको देखेंगी तो। तो क्या, आपने बात की है ना उनसे? शी सेंसिबल, बात करने लायक है, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ऋषि को लड़कियों के साथ इस तरह बर्ताव करना सिखाया, और अगर वो नहीं जानते कि ऋषि इस तरह का लड़का है तो उन्हें मेरे किए पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप कहाँ थे? आप थे वहां जब उस इंसान ने इतनी बुरे तरीके से ऋषि को मारा? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप चुपचाप खड़े थे जब वो इंसान कानून तोड़ रहा था। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो कानून की नजरों में गलत है, लेकिन मेरी नजरों में बिल्कुल सही है वो, और यही मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि अब वो ऋषि की साइड बिल्कुल ना ले। मैं मिलकर आया। अरे सर जाने दीजिए सर, वो चली गई होंगी, अगर मिलना ही होता तो वो खुद ना आ जाती। सर वो बाहर एक सिल्वर कलर की कार है जो कमिश्नर सर की पार्किंग में है। हाँ गाड़ी किसने पार्क की है? सॉरी, सिल्वर कार तो मेरी है। अरे प्लीज सर हटा लीजिए, वरना उनका गुस्सा हम पे निकल जाएगा। तो सर प्लीज, ठीक है हटा लेता हूँ। मैंने कुछ पूछा आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप थे वहाँ? हाँ मैं था, इंस्पेक्टर साहब भी थे, हम सब ने बहुत कोशिश की लड़की के चाचा को रोकने की, कोई उन्होंने किसी की नहीं सुनी, लड़के को मारते रहे। अब वो मेरा गुस्सा देखेंगे। एक मिनट मैडम, उधर कमिश्नर साहब आ रहे हैं, आपको मैं दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ, चलिए। डॉक्टर शर्मा, वो जेल में ऋषि नाम का एक लड़का होगा, उसे काफी चोट लगी है मेरे हाथों। जस्ट टेक केयर ऑफ जी, आई विल सी यू लेटर। ना बड़े लड़के का फायदा उठाती है। ये मैंने नहीं गिराया, आप प्लीज सरिता जी को इसके बारे में मत बताना। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ ये कब गिरा, क्योंकि आवाज नहीं आई हमें अंदर। ये आपके आने से पहले ही गिर गया था। कैसे गिर गया? मैं ना सरिता आंटी को जरूर बताऊंगी। और अरे ये क्या, ये कैसे गिरा? इन्होंने गिराया ये, और इन्होंने मुझे मना भी किया था कि मैं आपको ना बताऊं। क्यों मधु, सच सच बता ये खाना कैसे गिरा? देख मधु, ऐसे नहीं चलेगा, हो तेरे से घर का खाना नहीं संभाल रहा है तो शादी का खाना कैसे संभालेगी? नहीं नहीं, ये मैंने नहीं गिराया। अरे तो और किसने गिराया? तेरे अलावा तो घर में कोई और है ही नहीं। सच सच बता दे कैसे गिरा, अगर सच बता देगी ना तो हो सकता है मैं तेरे को माफ कर दूं, वरना तेरे को अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जाना होगा। अगर मैं बता दूंगी तो क्या होगा? सरिता जी सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगी और वहाँ जाके प्रज्ञा दीदी का साथ देंगे, वो एक से भले दो हो जाएंगे और मिलकर उस प्रियंका के चाचा को सबक सिखाएंगे। घर पे किसी को कुछ बताना मत, मैं ऋषि को लेकर आती हूँ। तो बताएगी के नहीं? वो आप लोग दरवाजे पर थे और बार बार घंटी बजा रहे थे ना, उस टाइम मैं खाना खा रही थी, मुझे लगा आप लोगों को ज्यादा देर दरवाजे पे इंतजार नहीं कराना चाहिए, तो मैं हड़बड़ी में उठी और मुझसे खाना गिर गया। सच्ची मधु, चल सामान बांध ले अपना। अरे हड़बड़ी में काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, और जो खाना बर्बाद करते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं। जाने दीजिए ना, हमारे लिए तो कर रही थी ये, और जो खाना बनाता है ना उसे भी तो खाने की बर्बादी अच्छी नहीं लगती। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। एक गलती की इतनी बड़ी सजा? अच्छा आप माफ कर दीजिए, बदले में आप जो कहेंगी ना मैं वो करूंगी, प्रॉमिस। तुझे बड़ा प्यार आ रहा है इस पे।
मुझे इनकी आंखों में हम सबके लिए बहुत सारा प्यार और अपनापन दिख रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही, इसलिए कह रही हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना। फिर से गलती करेगी तो आप तो थप्पड़ लगाना कस के शाहना को। मुझे क्यों, तुझे पड़ेंगे थप्पड़, कर रही हो दया, हर बात पे तुमको मस्ती सूझती है। सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल आपकी माँ जैसी हो, वो भी आपकी तरह बहुत अच्छी है। थैंक यू। जब भी कोई कहता है ना कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से यही सपना था, बड़ी होकर माँ जैसी बनूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप एक दिन बिल्कुल आपकी माँ की तरह बनोगी, जिस तरह वो सबके लिए सोचती है ना, आप भी बिल्कुल वैसे ही सोचती है। मेरा एक बेटा है और एक माँ भी है, दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आज आपने मेरी नौकरी बचा ली, इस नौकरी की मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे क्या कह रही हैं आप, I'm सॉरी, मैं भी आपके खिलाफ बोल रही थी, मैं मासी जैसी तो नहीं हूँ पर इतनी बुरी भी नहीं हूँ, थोड़ी अच्छी हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मेरी फेवरेट ना वो टीवी सीरियल की हीरोइन थी, लेकिन अब आपकी माँ है प्रज्ञा दीदी। सुनिए ये सच है या सपना, मेरा वहम भी है तो इसे वहम ही रहने देते हैं। पलट के देखा तो तुम नई हकीकत नजर आएगी, फिर तुम्हारी आवाज भी सुन नहीं सकूंगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, आप एक बार मैम आप अंदर नहीं जा सकते। हिम्मत कैसे हुई उस पे हाथ उठाने की, वे पुलिस स्टेशन में, आप बड़े लोग हैं तो कुछ भी करेंगे, और मारना ही था तो अरेस्ट क्यों करवाया? और आप लोग मुझे बोल रहे हैं उनको तो नहीं रोका ना, कानून सिर्फ हम लोगों के लिए, उन्हें तो कानून तोड़ने की परमिशन दे रखी है आप लोगों ने। हाँ बात सुनिए, देखिए हुआ ये कि जो हुआ है वो मैं देख रही हूँ, और मैं अकेली नहीं पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं सबको बताऊंगी, मैं आपके सीनियर्स को बताऊंगी, आई मेक श्योर कि ये सारी चीजें मीडिया भी कवर करे। कानून सिर्फ हम लोगों के लिए है। हाँ मैंने सुना था कि शहरों में कानून बस कुछ नामचीन लोग कंट्रोल करते हैं, इस शहर में कोई लॉ ऑर्डर नाम की चीज है भी या नहीं? प्रज्ञा, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो आरिया, ओ टूटे आरिया मिला दे और। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो आरिया, ओ टूटे आरिया मिला दे से दोनों यार, वापस तो आ जाया
कभी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह प्राची, इस बार भी ना इस ऋषि ने ये बड़ा वाला रूम ले लिया है। भगवान के लिए उसे छोड़ दे। मैंने कब पकड़ा है? मैं तो बस चुप कर, जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। याद है ना, वहाँ पर भी तेरे कहने पर तेरे लिए उसने अपना रूम खाली कर दिया था। और यहाँ पर भी देख, पूरी तरह सामान शिफ्ट भी नहीं किया। आई एम श्योर उसे यही लग रहा होगा कि पहले हम रूम सिलेक्ट करें, शिफ्ट करें, बाद में वो। अब जब वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना सीख ना। तू सही कह रही है, ऋषि मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, मैं उसके साथ कितना गलत कर रही थी। थैंक गॉड ट्यूबलाइट में बत्ती तो जली। इधर आओ, इधर बैठ। मेरी बत्ती तो जल गई पर तेरी बत्ती कब जलेगी? तुझे कब रियलाइज होगा कि रणबीर अच्छा लड़का है? एक सेकेंड, तू ऋषि और रणबीर को कंपेयर कर ही नहीं सकता। मैं कंपेयर नहीं कर रही पर दोनों का केस सेम है। कहां से सेम है, क्या सेम है? दोनों अलग अलग है। ऋषि एक समझदार सुलझा हुआ लड़का है और रणबीर ट्रिपल बी। हाँ वो बुरा है, बदतमीज है और सबसे ज्यादा बेवकूफ है। लड़कियों से फ्लर्ट करना जानता है, किसी के रिस्पेक्ट करना, स्पेशली लड़कियों के रिस्पेक्ट करना तो जानता ही नहीं, आता ही नहीं उसे। तो हीरे को कोयला समझ रही है? वो कोयला ही है। ओ हेलो, कोयले से बनता है हीरा और रणबीर है कोहिनूर हीरा जिसे परखने वाला चाहिए। और तू ऋषि को इतनी जल्दी समझ गई, रणबीर को अभी तक नहीं समझ पा रही है। तू जल्दी है, मुझे पहले से पता था, है ना? लेकिन रणबीर के प्यार ने ना तुझे पागल कर दिया, पागल। चाची सुन तो मेरी पूरी बात तो सुन, मैं क्या बोल रही थी। अगर मैं और ऋषि एक नहीं हुए तो कोई भी नहीं होगा, किसी को उसका प्यार नहीं मिलेगा, मेरे रहते तो कभी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती और मेरा तो वार कभी खाली नहीं जाता। पर मैं ऐसा करने नहीं चाहती, मुझे मजबूर किया जा रहा है ऋषि और इसकी फैमिली की तरफ से, स्पेशली वो प्रज्ञा। मैं सुसाइड की एक्टिंग कर रही थी पर प्रज्ञा को तो सच लगना चाहिए था ना, पर वो डरी ही नहीं, उल्टा मुझे लेक्चर देने लगी। अब देखती हूँ ऋषि को क्या लेक्चर देगी जब वो उसे जेल में देखेगी। तूने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसे तू बर्बाद कर देना चाहती हो, डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हो? मैंने क्या लाइफ में, आई थिंक किसी ने ऐसा तो नहीं किया होगा कि जिससे प्यार करे उसे डिस्ट्रॉय कर दे। प्लीज इट्स नॉट पॉसिबल। प्यार का तो पता नहीं बट हाँ, जिसे आप नफरत करते हो उसे डिस्ट्रॉय जरूर करना चाहते हो। एंड गेस व्हाट, मेरी भी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे मैं इसे बर्बाद नहीं खत्म कर देना चाहती हूँ, उसकी लाइफ, उसका नाम, एवरीथिंग। रियली। एंड गेस व्हाट, रेडी टू पे एनी प्राइस एंड गो टू एनी एक्सटेंट टू हार्म दैट पर्सन। प्यार और नफरत कहने के लिए तो दोनों अलग अलग है पर दोनों के इमोशंस बिल्कुल सेम है। ये दोनों आपको उस हाइट पे ले जाते हैं जहाँ लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में जहाँ लोग खुद को बर्बाद कर देते हैं, वहीं नफरत में लोग दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। आई थिंक ये जो हेट है ना, कि प्यार से ही बनती है। ऐसा नहीं है, लव इज समथिंग एल्स, लव इज सो प्योर। आई मीन हम जिससे प्यार करते हो ना उसे आप कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मैं भी ऐसा ही सोचती थी पर अब मेरी थिंकिंग बदल चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिसे हद से ज़्यादा चाहते हैं और वो आपको ना मिले तो उसे इतना बर्बाद कर देना चाहिए कि वो किसी और को भी ना मिले। जो मेरा नहीं वो किसी और का भी नहीं। What's happening, Priyanka? What's wrong? कैसी हो? आप कैसे हैं? सवाल सवाल के ऊपर जवाब दिया जाता है, सवाल नहीं पूछा जाता। फिर से कैसी? अच्छी हूँ। आप
कैसे? Very nice. हमारी बेटी कैसी? वो एकदम मस्ती खो रहे. हमारी बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है. तुम्हारे साथ वो लड़का ऋषि, शायद से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, उसका थरो चेकअप करना पड़ेगा हॉस्पिटल ले जाकर. Do that.